Hello guys, welcome back to my very own YouTube channel again. So today I'm going to show the tutorial of daily practical makeup. I have given this title practical makeup because when it comes to practical daily wear makeup, you cannot carry so much product with you and you cannot do everything. You have to keep everything minimalistic, like a moisturizer and a BB cream and a mixture and kajal, etc. But I've seen so much of videos where the YouTubers are showing that you have to apply on the concealer with the proper loose powder and the compact powder. But every day this is not possible practically, to be very honest. So मैंने अपने वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई हैं जो आप अपने साथ डेली कैरी कर सकते हैं, और कैरी करने के साथ आप उसे दो तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. एनी विच वेज यू हैव टू, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन हाईलाइट योर आईब्रोज विद अ लिप टिंट और अ लिप बाम और योर फेवरेट लिप शेड, और यू कैन वेयर द गुड काजल विद द लिप शेड, एनी ऑफ योर फेवरेट लिप शेड एंड द टिंट लिप बाम एज वेल. अदरवाइज यू कैन जस्ट डू वन थिंग, यू कैन हाईलाइट योर आईब्रोज एंड मस्कारा एंड योर लिप शेड. दिस इज़ द थिंग, बहुत तीनों चीज़ें मत पहनी है, लाइक काजल, लाइनर, आईब्रोज एंड योर लिप शेड, एंड keep it very minimum. Like daily mein you have to keep it very minimum. You can apply your eyebrow pencil that the way I have used this brow pencil. You can apply here and you can apply as a liner as well. The smudgy soft look for the liner. And for the tint, I've shown you this tint. You can wear it on your lips and as well as your cheeks as well. So you can apply it in two ways. Otherwise you can do one thing. You can wear this lip color from Miss Claire. You can apply on your lips as well as cheeks. Because practically, when it comes to practical, वो वीडियो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकें और वो डेली कर सकें. एंड बी बी क्रीम, ऑब्वियसली बी बी क्रीम ऑफकोर्स यू कैनॉट कैरी द फाउंडेशन यू नो एवरी डे. एंड एफ फाउंडेशन मीन्स वेन यू गोइंग आउट समवेयर फॉर स्पेशल ओकेजन्स, देन ओनली कैन वेयर इट. एंड बी बी क्रीम यू कैन यूज इट डेली. एंड अ गुड मॉइस्चराइजर यू हैव टू यूज डेली फॉर योर स्किन केयर रूटीन. आफ्टर दैट you can apply the BB cream. So this is all about this video where I have shown everything practically, and I have applied my brown liner with a fingertip because brush wagera aap carry nahi kar sakte baby. Find my video because I've shown ki jo bhi cheeze aap daily kar sakte ho practically, not just to see the YouTube video where you can enjoy watching video. This is a practical video and I have shown the good decent amount of lip shade. मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कुछ लिंक्स नहीं है बिकॉज वो फेड हो गया है, लेकिन आई ट्राई टू गिव ऑल द लिंक्स बिलो. यू कैन फाइंड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ शेड वेयर यू कैन वेयर इट ऑन डेली, एंड सम ऑफ शेड्स आर माय फेवरेट. सो प्लीज़ फाइंड माय वीडियो ट्यूटोरियल फॉर द डेली प्रैक्टिकल मेकअप. And to begin with my look, guys, I'm going to apply Nivea cream. Nivea is one of my favorite moisturizer during winter because इससे थोड़ा tinty look आता है, थोड़ा आपकी skin hydrate रहती है और थोड़ा oily, थोड़ा dewy look आता है इससे. इसके बाद I'm going to apply the BB cream. Instead of that, पहले मैंने लगाया था lip balm, उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ, बीबी क्रीम लगा रही हूँ. इन सच केसेस आपके पास अगर बीबी क्रीम नहीं है तो यू कैन यूज़ योर फाउंडेशन ऑफ 20% एंड 70-60% ऑफ योर मॉइस्चराइजर. यू कैन मिक्स इट एंड यू कैन अप्लाई इट एज योर बीबी क्रीम. आफ्टर दैट मैं ये आईब्रोज का हाईलाइट कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस पेंसिल बिकॉज यू यूजिंग पेंसिल इज़ वेरी हैंडी फॉर द डेली प्रैक्टिकल मेकअप. यू कैनॉट कैरी द किट विद यू. द पेंसिल इज़ वेरी हैंडी. अलॉन्ग विद दैट आई एम हाईलाइटिंग माई यू नो आईज विद मस्करा. मस्करा को हाईलाइट करने के बाद आई एम अप्लाइंग दिस ब्यूटिफुल शेड फ्रॉम लॉरियल पेरिस. मैं लिंक दे दूँगी. बहुत न्यूट्रल डेली वेयर शेड है और मैंने इस लुक में बस इतना ही किया है कि मैंने आईब्रोज़ का हाईलाइट किए हैं अपना और मस्करा अप्लाई किया है. एंड मैंने ये अप्लाई किया है लिप शेड फ्रॉम लॉरियल. एंड लिप्स को मिटाने के बाद मैं सब सेम रख रही हूँ और मैं टिंट अप्लाई कर रही हूँ. गाइस, टिंट इज़ वेरी फेवरेट नाउ डेज ऑफ माइंड. बहुत नेचुरल लुक लगता है, ऐसे लगता ही नहीं अपने बाम अप्लाई किया है, ये लिपस्टिक अप्लाई की है. इवन चीक्स पे भी ऐसे लगता है कि आपके नेचुरल पिंकी चीक्स हैं, बट वो टिंट का कमाल होता है. एंड टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो, मैंने तीसरे लुक में ये किया है कि मैंने लैक्मे आइकॉनिक का पेंसिल यूज़ किया है आईलाइनर की तरह, थोड़ा स्मजी लुक देने के लिए, थोड़ी आईज़ ओपन रखने के लिए, बड़ी रखने के लिए. और मैंने उसको हाथ से ही किया है, ब्रश इस्तेमाल नहीं किया है मैंने. उसके बाद मैंने ये ब्यूटीफुल शेड अप्लाई किया है फ्रॉम कलाबार एंड द शेड नेम इज़ बेयर.
कैमरे पे इतनी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल शेड गाइस, ट्रस्ट मी, मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ इसे एंड आँखें भी बहुत ओपन दिख रही है मेरी। एंड टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो, मैंने अपने वाटर लाइन पे जेल लाइनर लगाया है फ्रॉम लॉरियल। वाटर लाइन पे ही रखते हैं बिकॉज सम पीपल डोंट यू नो प्रिफर टू अप्लाई द थिक काजल डेली वेयर। ये मेरा चौथा लुक है और मैंने इसमें मेबेलिन का शेड लिप शेड अप्लाई किया है एंड द शेड नेम इज़ टच ऑफ स्पाइस। ये लुक सोनम कपूर ने भी किया था, काजल एंड द शेडेड लाइनर, इफ यू कैन सी ऑन गूगल। ये वैसा ही कुछ सेम लुक है, आप डेली इसे पहन सकते हैं। एंड दिस शेड आर माई फेवरेट फ्रॉम मेबेलिन, द क्रीमी टेक्सचर्स आर माई फेवरेट। एंड इस लुक में मैं थोड़ा सी काजल को थिक कर रही हूँ बिकॉज किसी की आंखें छोटी होती है तो उन्हें बड़ी करने के लिए आपको काजल थिक पहनना पड़ता है, तो मैंने थिक किया है। और मैंने मिस क्लेयर का ये पिंक शेड अप्लाई किया है एंड द शेड 43, यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर फेवरेट शेड। और मैंने यहाँ पर लाइनर अप्लाई किया है एंड इस लुक के साथ मैंने एक शेड अप्लाई किया है फ्रॉम नायका, क्रियॉन का है शेड नंबर, कांट गिव यू बिकॉज फेड हो चुका है गाइस, लेकिन ये बहुत ही न्यूट पिंक कलर है जो आप डेली पहन सकते हैं। मैंने काजल को थिक किया है, फिर बाद में मैंने लाइनर भी लगाया है, नो विंक विद दैट। एंड टू द फाइनल लुक ऑफ दिस वीडियो, मैंने काजल निकाल दिया है, मैंने सिर्फ लाइनर को विंक किया है, मैंने हर चीज़ हाईलाइट नहीं की है एज आई स्टार्टेड माई वीडियो। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई ब्यूटिफुल शेड फ्रॉम लैकमे 9 to 5 रेंज गाइस, बहुत ही प्यारा न्यूट ब्राउनिश शेड है। मैं सारी लिंक्स आपको दे दूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू अप्रिशिएट इट, यू नो हाउ टू डू इट।